के शास्त्री नगर से 4 साल का हुसैन संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक गली से खेलते खेलते गायब हो गया। घटना को 24 घंटे बीत जाने पर भी हुसैन का कोई अता पता नहीं। हुसैन के परिवार के साथ साथ अब शहर के लोगों को चिंता सता रही है, आखिर बच्चे कहां गायब हो रहे हैं। बता दें, पानीपत से हर साल ज्यादा तादाद में बच्चे गायब हो रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जिला कर्ज निवारण समिति में बच्चों से संबंधित फरियाद आने पर SIT गठित कर मामलों की जांच कह चुके हैं, लेकिन लापता हुए बच्चों को कोई अता पता नहीं। वहीं अब हुसैन गायब हुआ तो लोगों को अपने बच्चों का डर सताने लग गया है। वहीं पुलिस ने हर बार की तरह मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब देखना होगा क्या पुलिस मासूम हुसैन को परिवार से मिला पाएगी या नहीं। जब भी बच्चा हमारा भतीजा है, वो हम तो ढूंढ ढूंढ के उसके थक गए हैं। फिर GRP वाले में जाकर वहाँ FIR दर्ज कराए हैं, कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं सर। अब उस औरत के बारे में मैं भी इतना जानता नहीं, क्योंकि मैं सारा दिन ड्यूटी करता हूँ। अब ये लोग जो यहाँ रहते हैं औरतें, इनको ज़्यादा पता है कि वो कैसी है कैसी नहीं है। औरतों के बारे में हमें तो पता नहीं है जी सर। जिस तरह ये हादसा हुआ है, ये तो बहुत दुखद घटना है सर। ऐसा हादसा मेरे को 15 साल हो गया है रहते हुए, कभी ऐसा कोई बात सुनने में नहीं आया सर। खैर चलो, झगड़ा झंटा छोटा बहुत तो सबसे होता ही रहता है, उसमें कोई बात नहीं। बाकी ये तो बहुत बड़ा गलत काम हो गया सर हमारे साथ। कल 5:30 बजे मेरा लड़का गुम हो गया और मैं बहुत सर रात तक के ढूंढी, 1-1.5 बजे रात तक का हम लोग ढूंढते रहे, सारे मोहल्ले वाले ढूंढे, मिले नहीं मेरे बच्चे। मेरे दो लेडीज है ऊपर, उसके ऊपर शक है मेरे को पूरा, वो हमारे बच्चे भेजती हूँ भाई, मैं तो इतना जानती हूँ। और मैंने दिखाया भी पंडित के पास, उसने कहा कि कोई लुगाई मतलब लेडीज है वो उठा के ले गई बच्चे। हाँ बता दिए पुलिस वाले को भी मैं सारे कुछ। अब मेरे इसके बाद मेरा बच्चा मिल जाए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। हाँ हम खोज रहे हैं, सुबह 5 बजे से खोज रहे हैं, रात भर सोए नहीं, रात में भी खोज रहे थे हम लोग सारे। बच्चे का 4 साल उम्र है। हाँ अब बोलता कुछ भी नहीं है, सर मिला है कुछ नहीं बोलता वो बिल्कुल। वो कोई नहीं, किरायादार है वो चली गई थी, आज 3 दिन हुआ वो आई है और आते ही कांड हो गया सारे। हाँ वो सही ढंग का काम नहीं है उसका, तो ये काम है आज अपने लड़की का यहाँ शादी किया, कल वहाँ उठा के सामान लिया बटोरा भाग गए वहाँ से। उनका वही काम है बेचना है बच्चों को बेचना है। हाँ इससे पहले भी कोई? हाँ उन लोग का आगे से भी काम वैसा ही है, उन लोग आजाद नगर भी रहते थे, यही काम करते थे उन लोग। पुलिस प्रशासन क्या मांग करना चाहिए? हम कहते हैं हमारे बच्चे हमें वापस चाहिए, बस हमें और कुछ मांग नहीं चाहिए। हमें शिकायत मिली, अकबर नाम के व्यक्ति ने दी, मेरा बच्चा हुसैन उम्र 4 साल मेरे मकान के सामने खेल रहा था, गुम हो गया, जिस पर हमने FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। किसी के ऊपर शक जताया? शक अभी है नहीं, लेकिन जिसका नाम लेंगे उसको पूछताछ करेंगे। दो महिलाएं वो कह रहे थे यहाँ पर थी, वो तो पड़ोसी हैं, सब थे, उनसे पूछताछ कर रहे हैं हम। कितने बजे सूचना मिली सर आपको? हमने रात को मिली है। क्या सूचना दी परिवार वालों ने? परिवार वालों ने दी भाई, घर के सामने बच्चों के साथ मेरा बच्चा खेल रहा था और वो खेलते खेलते कहीं गुम हो गया। तो FIR दर्ज कर ली? हाँ FIR दर्ज कर। संदेह किसी पे मिल जाता है परिवार? संदेह अभी हमारे सामने तो कोई अभी करे नहीं है, लेकिन आएगा जो हम शामिल तफ्तीश कर पूछताछ करके जो भी सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। काम किया किसने, किया विकास क्या है, गांव के मौजूदा हालात, ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम बताएंगे आप। खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।